हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आए हैं गार जोर की ज्यारत के लिए, तो देखते हैं आज आपको भी ज्यारत कराते हैं साथ साथ जैसे भी होता है। और हमारे साथ कुछ कारी लोग हैं, वो आपको जानकारी देंगे और ज्यारत कराएंगे ऊपर जाके पहाड़ी के। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ये में सामने वाला रास्ता बिल्कुल गाड़ी पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, वो सामने पहाड़ी है, वो ऊपर जाना है अभी हमको। ठीक है, मिलते हैं फिर आगे। हाँ तो गाइस, हम थोड़ा सा ऊपर आ गए लेकिन थक गए, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है भाई। इधर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी नज़र आ रहे हैं। अभी हमें पहुँचने पहुँचने में 1 घंटा कम से कम लगेगा। मैं तो थक गया बहुत ज़्यादा। अभी देखते आगे आगे दिखाते तुमको गार शोर की ज़्यादा ऊपर जाकर दिखाते। वो मेरे दोस्त लोग ऊपर जा रहे हैं। देखो दोस्तों, हम अभी थोड़ा इधर आ चुके हैं लेकिन अभी तो पहाड़ी बहुत ऊपर है, बहुत घंटा है अभी हमको लग रहेगा 1-1 घंटा चढ़ने में। तो गाइज, अभी हमें हो गया 1 घंटा, पूरा पूरा 1 घंटा हो गया। अभी ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं, अभी काफ़ी ऊंचाई है, बहुत ज़्यादा। मैं तो थक गया। ये इधर नीचे मक्का का व्यू है, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है अभी इधर से। अभी तो ऊपर पहुंचे नहीं हैं हम, कितना कितना बड़ा पहाड़ है इधर, बाप रे। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया, कुछ लोग ऊपर चले गए और मेरे से तो अभी ऊपर जाया नहीं जा रहे। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत करके चढ़ूंगा। ये मेरे कुछ दोस्त लोग जा रहे ऊपर अभी अभी, तो हमें इस पर बड़ा पत्थर है इसके ऊपर और ऊपर को जाना पड़ेगा इसके ऊपर भी। चलो अभी देखते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर जाके मैं दिखाता हूँ तुमको। तो इस टाइम पर मगरिब की अज़ान हो गई है और हम अभी भी बाकी हैं ऊंचाई पे। ऊंचाई देख के तो आप देख सकते हैं अभी तो कितना ऊंचाई बचा है, बहुत ज़्यादा। अभी मेरे को डर लग रहा है और कितना छोटा छोटा बिल्डिंग अभी दिखाई दे रहा है ऊपर से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, बहुत ही मुश्किल के बाद हम अपने असली मकाम तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से देखो ये नज़ारा, माशाल्लाह रात का बहुत खूबसूरत नज़ारा है। रात में तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे इधर आ रहे हैं, सामने वो क्लॉक टावर दिख रहे हैं, माशाल्लाह ये रात का नज़ारा कुछ देखने के काबिल है इधर। अभी बिल्कुल हम फाइनल जगह पर गार शोर के पहाड़ की चोटी पर आ चुके हैं। लगभग हमें 3 घंटा लगा है, 2-2.5 घंटा तो लगा ही होगा, 2.5 घंटा से ऊपर लगा है। माशाल्लाह क्या व्यूज है मक्का का, क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप भी। ये है गार शोर का जो मेन गेट है जिसके अंदर को जाते हैं, जो असली गार है गुफा जो है अंदर, वो दिखाते हैं अंदर चल के तुमको। रात हो गया इसलिए उसका प्रॉब्लम आ रहा है। चलो तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। ये है देखो अंदर से, ये गार है, ये गुफा है अंदर। रात हो गया, अगर दिन में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। अब हम यहाँ को निकल रहे इस गार। हाँ जी जी, हाँ चलो चलो आ जाओ। हाँ जी जी, आ रहे हैं अंदर से। यहाँ पर बिल्ली कितनी ऊपर बैठी रात में, मां सबसे ऊपर अभी आ चुके हैं निकल के, बहुत ही ऊपर थक। दोस्तों देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, रात में तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है मक्के का, क्या बात है यार। टाइम तो बहुत लग गया ऊपर चढ़ने में लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है आज इधर ऊपर आके। तो फाइनली हम गार शोर के बिल्कुल फाइनल बिल्कुल ऊपर टॉप पर आ चुके हैं पहाड़ी के। यहाँ से मक्के का नज़ारा आप देख सकते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है।
बिल्कुल ही जस्ट हमारे सामने जहाँ क्लॉक टावर दिख रहा है वहीं हरम है। हरम में बहुत ज़्यादा रोशनी हो रहा है लेकिन दूर काफ़ी होने की वजह से कुछ दिख नहीं रहा। ये चारों तरफ नज़ारा है मक्के का, क्या खूबसूरत नज़ारा रात का। फिर हम एक बार और फिर ज्यारत के लिए अंदर जा रहे हैं। अंधेरा काफ़ी हो गया इसलिए कुछ सही से दिख नहीं रहा, थोड़ा लेट हम हो गए हैं घर से आने में, इसलिए चलो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह चलते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाह हू अकबर अल्लाह, यहाँ पर दुआ करते हैं हाफिज़ जी से, थोड़ा अपने हक में भी दुआ कराते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह ये है मेन जगह, यहाँ पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इस गुफा में पना ली थी जब काफिर मारने के लिए आए थे तो उनको। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खुशबू यहाँ पर आ रही है। ये कुछ लिख दिया है यहाँ पर, ये अंदर गुफा है पूरी गार है, यहाँ पर कुछ लोग लिख के चले गए हैं शायद, कुछ अपना अपना नाम वगैरह यहाँ पर कुछ लिख कर गए हैं, कुछ लोग माशाल्लाह लिखा है, कुछ लोग अपना नाम लिख के चले गए। ये है मेन जगह, यहाँ पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ फरमाई थी। और हजरत कुछ बताओ आप भी इसके बारे में यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज हम ज़ियारत ग़ार सौर के लिए हाज़िर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मेहनत मशक्क़त के बाद हम मकाम पर पहुंच गए हैं, उसी वादी पर, उसी ग़ार के अंदर जहां आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था। यही वो ख़ास जगह है, यही वो ग़ार है जिसको ग़ार सौर बोलते हैं। हिजरत के दौरान आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत का इरादा फरमाया, अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप हिजरत करें, तो कुफ्फार मक्का आपके पीछे लगे हुए थे कत्ल के इरादे से, तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी ग़ार सौर में क़याम फरमाया था जो हरम से कुछ ही फासले पर वाक़े है। और ये भी कहा जाता है कि मक्के की सबसे ऊँची यही पहाड़ी है जो ग़ार सौर है, जिसको ग़ार सौर बोलते हैं। यही वो ग़ार सौर है, यही छोटा इसमें ग़ार बना हुआ है, ऊपर बहुत बड़ा एक पत्थर लगा हुआ है, इधर भी दरवाज़ा है, एक इधर भी ये दरवाज़ा है, शायद इधर से आने का है, ऊपर ये जाने का है। बहुत ही बड़े पत्थर का ऊपर ये रखा हुआ है, बीच में छोटी सी जगह है कि जिसमें दो अफराद बैठ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जानमाज भी बिछा हुआ है। यही वो जगह है कि जहाँ आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए और आपके हमरा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा है। सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले ग़ार के अंदर आए, इसी ग़ार के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकद्दर कि आज अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इसकी ज़ियारत नसीब फरमाई। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ग़ार के बाहर तशरीफ़ फरमा है, सिद्दीक़ अकबर आते हैं और ग़ार की सफाई करते हैं, जो भी इसके अंदर सुराख थे उनको बंद कर रहे हैं कोई कपड़ा लगा कर। और तारीख में आता है कि एक सुराख बाकी रह गया और कपड़ा भी ख़त्म हो गया, तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सुराख पर अपना अंगूठा रख लिया या अपनी एड़ी को रख लिया और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाइए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा है। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते हैं और अपना सरे अक़दस सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ानो मुबारक पर रख लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, आपकी आँख लग गई, सिद्दीक़ अकबर जाग रहे हैं। इतने में जहाँ पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सुराख पर अपना पैर रखा हुआ है, उस सुराख से एक सांप आता है और आपको डस लेता है। दर्द तकलीफ़ हो रही है लेकिन कहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल ना पड़ जाए, आप अपने पैर को जुम्बिश नहीं दे रहे हैं। बार बार वो सांप
आपको काट रहा है, आपको डस रहा है। इतने में दर्द काफ़ी बढ़ गया और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में आपने खलल ना डालने की वजह से अपने पैर को नहीं हिलाया। आपकी आंखों से आंसू निकले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारों पर गिरे। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, सिद्दीक अकबर तुम्हें किस चीज़ ने रुलाया, तुम क्यों रो रहे हो? सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सांप ने डस लिया है, दर्द की शिद्दत बर्दाश्त ना कर सका, इसलिए रो रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लिया और आपके ज़ख्म पर लगा दिया, सुभान अल्लाह, वो ठीक हो गया। तारीख में ये भी आता है कि वो सांप बहुत पुराने ज़माने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से जब मदीने को हिजरत करेंगे तो इसी गारे सोर में आएंगे, कि वो सांप भी हुजूर का दीदार करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, हजरत मुहतरम इंसान तो इंसान, तमाम मखलूक़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की मुश्ताक है। यही वो सरजमीन है, यही वो गार है कि जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रात यहाँ पर क़याम फरमाया। आइए हम तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं इस मुबारक ज़मीन पर, कि जिस ज़मीन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकाम पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं, यकीनन वो जगह बड़ी बाबरकत, बड़ी मुक़द्दस है, और जिस जगहों को अल्लाह वालों से नस्बत हुआ करती है, और ये तो मेरे नबी से नस्बत है, इंशाअल्लाह यकीन है हमारा कि ऐसी जगहों पर दुआएं कसरत के साथ कबूल हुआ करती हैं। अल्लाह तबारक व ताला, हमने यहाँ पर जो भी जिक्र किया, नमाज मगरिब भी अदा किया, या अल्लाह तो हमारे तमाम आमाल को कबूल फरमा, आमीन। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े हम सभी के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, आमीन। हम सभी को नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमा, आमीन। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हमारे दिलों में भी इश्क़ रसूल अता फरमा, आमीन। हम सभी को इश्क़ रसूल में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़ा व तुफ़ैल हर सुन्नी मुसलमान भाई को, हर मुसलमान को इन मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत से सरफराज फरमा, और हज बैतुल्लाह अपने घर का दीदार नसीब फरमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार नसीब फरमा। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े हमारी तमाम नेक दुआओं को कबूल फरमा, और जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वला तमाम ही की नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, और उन सभी को भी इन ज़ियारत इन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़ा व तुफ़ैल हमारी नेक दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बि रहमतिका या अरहमर राहिमीन। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बार से मैं फिर आपको दिखाने के ज़ियारत कराने के लिए जा रहा हूँ। ये है जो जहाँ से ये गार का रास्ता है, ये रास्ता, इस रास्ते से हम अंदर दाखिल होंगे इंशाल्लाह। आप देखते रहिए, एक बार और दिखा रहे, मेरे दोस्त लोग भी इधर ही बैठे हैं जो मतलब समझा रहे थे हमको थोड़ा ये सब। ये देखो इस गार में ही ये यहाँ पर ये लोग बैठे हैं। हजरत अली को हुजूर ने बिस्तर पे लिटा दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है वो गार उसी अपने दरवाजे से जहाँ पर ये है खड़े हुए हैं तलवार। पूरा रास्ता कुरान की एक आयत पढ़ी, वमा रमीता की रमीता वाला के ऐसा ये पूरा है, ये बात उठाई और झूल को ऐसा जा रहे पूरा, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने, यही मेन जगह है जहाँ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे, गार सोर। इस पहाड़ी का नाम ही गार सोर है, मक्का में है। सुबह हुई जैसे कि हजरत आपको समझा रहे थे, ये है मेन जगह, देख सकते हैं आप पूरा पत्थर ही पत्थर है। चादर उठाई तो क्या देखते हैं, बिस्तर पे तो नबी नहीं है, हजरत अली बैठे होंगे। पूरा गुफा है, देख सकते हैं आप लोग, दो तीन लोग बस इधर बैठ सकते हैं, ये लोग बैठे हैं। तो जो मक्का के काफिर थे उन्होंने बड़े बड़े इनाम रखे कि जो भी मोहम्मद को। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ,
ये माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा मक्के का आप देख सकते हैं एक बार। और अब हम नीचे जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगली नेक्स्ट वीडियो तुम्हें गार हिरा की या दूसरी ज़ियारत इंशाल्लाह कराएंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़ियारत बहुत जल्दी कराने के लिए जा रहे हैं। तब तक के लिए सलाम अलैकुम।